हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम विंटर स्पेशल पीनट फेस पैक बनाएंगे। सर्दियों में हमारी त्वचा बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी हो जाती है, जिस वजह से हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी डल दिखाई देने लगता है। तो ऐसे में ये फेस पैक आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा यूथफुल दिखाई देने लगती है। तो आइए इस अमेजिंग फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। पीनट फेस पैक बनाने के लिए मैंने ये 15 मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो यहाँ मैंने फेस पैक बनाने के लिए रोस्टेड मूंगफली ली है और मैंने इनके छिलके को भी अलग निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं ग्राइंडिंग जार में ये मूंगफली के दाने डालेंगे और इसमें ये 2 चम्मच के करीब कच्चा दूध ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यह मैंने मूंगफली के दानों को अच्छे से ग्राइंड करके इनका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये पीनट का पेस्ट निकाल लेंगे। मूंगफली में भरपूर मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही हमारी ड्राई डल डैमेज स्किन को रिपेयर कर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सपल भी बनाते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन पर एज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे पोर्स को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली रिमूव करता है और साथ ही हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 2 चम्मच के करीब गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, इसमें कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं फेस पैक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 20 से 25 मिनट बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। आपका डल स्किन कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा। आपके स्कार्स और ब्लेमिशेस भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा यूथफुल दिखाई देने लगेगी। तो आप इस अमेजिंग फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।